चले आए। आज संडे स्पेशल में आपको फुल रेस्टोरेंट का मज़ा आप घर पे ले सकते हैं आपकी फैमिली के साथ में। जिसके लिए मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाई हूँ, मैं अपनी रेसिपी मेरी तरीके से। एक मैंने कॉर्न गार्लिक राइस बनाई हूँ और चिकन अंगारा बनाई हूँ। देख सकते हैं इतनी बेहतरीन रेसिपी, मैं दोनों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और अच्छी लगे तो प्लीज़ पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की रेसिपी के लिए तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से होंगे। और अल्लाह ताला करे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे मेरे बहन भाई है मेरा वीडियो देख रहे, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हसदों के हसद से और दुश्मनों के शरत से बचा के रखे। ये अल्लाह ताला हमारी जो भी लोग परेशान है दुनिया में मौला, जो बीमारियों से मौला उनकी बीमारी को शिफाए कामिल अता फरमा दे। अल्लाह जो भाई मेरे जॉब के लिए काम धंधे के लिए परेशान है मौला, उनको रोज़ी अता फरमा दे हलाल मौला। ये अल्लाह ताला जो तेरे सिवा किसी को अपने दिल का नहीं बोल सकते तो उनकी भी मुश्किलों को आसान फरमा दे। ये अल्लाह जितनी बहनें हमारी परेशान हालतों में मौला, उनकी जो भी दिली ख्वाहिश है मौला उनकी तमामों की दिली ख्वाहिश पूरी कर दे। ये अल्लाह जो मेहनत करते हैं जॉब के लिए परेशान है मौला, तो उन्हें हलाल रोज़ी अधिक सता फरमा दे। अल्लाह ताला बेशक तू बड़ा गफुर रहीम है, हम गुनाहगार है बदकार है, तू तो बड़ा रहीम है मौला। अपने रहमत का सदका हम पे नाजिल फरमा दे मौला, जो हम मांगते और जो मांगने से रह गए मौला, तमाम दुआओं को हमारी कबूल फरमा दे अल्लाह प्यारे आका के सदके। ये अल्लाह ताला जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, हमारे गुनाहों की बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। मरते वक्त कलमा तैयब जबान पे जारी रख अल्लाह, हसदों के हसद से बचाना। और जितनी मेरी बहनें बे औलाद मौला, तू उन्हें नेक और सोलिन औलाद अता फरमाना। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे आरजू हर बेकसो मजबूर की, आमीन बिजाह नबी आमीन। आइए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ में आज की संडे स्पेशल हमारी रेसिपी हम बनाते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन अंगारा, ड्राई चिकन अंगारा एक बनेगा। और मैं उसके साथ में कॉर्न है मेरे पास में, तो मैं कॉर्न राइस भी बनाऊँगी। देखें तो ये मैंने जो कॉर्न राइस बनाऊँगी ना, तो राइस के लिए देखें मैंने यहाँ पर थोड़ी प्याज इसमें से लूँगी, ये हरी प्याज है और ये बेबी कॉर्न है, ये बेबी कॉर्न है डालेंगे। और ये हरे मटर है, अभी सर्दियों में वेजिटेबल का सीजन है तो ज़रूर वेजिटेबल खाया करें, बच्चों को भी खिलाया करें और अपन भी घर में खाया करें, बहुत हेल्दी होती है समझे। और ये एक कैप्सिकम है मतलब शिमला मिर्च, और यहाँ पे वही हरी प्याज की जो प्याज होती है ना वाइट वाली पार्ट वो है। और ये राइस बघाऊँगी, राइस के लिए एकदम सिंपल सा मैंने देखे गार्लिक और जिंजर है खाली बस, ये हल्का हल्का सा दरदरा करा हुआ है, ये मैं तेल में डालूंगी। और इसके साथ में ये वेजिटेबल डाल के ये राइस हम बना लेंगे। ये राइस का हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं चिकन अंगारे का एकदम सिंपल सा मैरिनेशन है और आप लोग ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे देखें मैंने फ्राई अनियन है, फ्राई अनियन डाल दी मेरे पास में हमेशा रहती है, एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है ठीक है। अब चिकन अंगारा बना रहे हैं तो ये तीखा रहता है थोड़ा और चटपटा रहता है, जिसके लिए यहाँ पे देखे मैंने लाल वाली जो सूखी मिर्ची नहीं, अपने घर के अंदर हरी मिर्ची लाते तो जो लाल हो जाती है रेड चिली इस तरीके की, तो ये रेड चिली है 5 से 6 और लहसुन है ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। इसी के अंदर जाएगा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये चिकन अंगारा पाउडर है मसाला है। मैं तो सुहाना का ली हूँ, आपको जो भी मिलता है आपके यहाँ जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं एक चम्मच, ये भी हम सब डाल देंगे। ये एकदम सिंपल सा चिकन है लेकिन बहुत झटपट बनता है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर अच्छे लाल कलर के लेके उसको मिक्सी में पीस के उसकी अच्छा सा पेस्ट एक बना ली हूँ ठीक है। यहाँ पे देखिए हंकट है घर का दही है जिसको मैंने छन्नी में रख दी थी, उसका पानी निकल गया ठीक है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी और चिकन अंगारा बन के आपका रेडी होएगा। आप एक टाइम खाएंगे तो आपको खाते मज़ा ही आ जाएगा। और इसमें अब हम डालेंगे मेन हमारा नमक, और इसको मैं मैरिनेशन करके रखती हूँ जब तक हम क्या करेंगे हमारा राइस है ना। मैंने बोनलेस चिकन ली हूँ, आप बोन वाला भी ले सकते हैं ठीक है, ज़रूरी नहीं है बोन वाला लेंगे तो और अच्छा है। तो मेरे पास बोनलेस रखा हुआ था तो मैं बोली चल रहा हूँ मैं यूज़ कर लेती हूँ करके। तो ये हम राइस के साथ में चिकन अंगारा की एक चिकन अंगारा ड्राई ऐसा हम लोग सर्व करेंगे, जो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा कॉर्न राइस के साथ में। और आप भी आज संडे स्पेशल है आपकी फैमिली में बनाए खाएं एंजॉय करें ठीक है। देखिए इसी को मैं इस तरीके से मैरिनेट करके रख देती हूँ, और हमको रख देना है
ये देखिए आधा घंटा मैं इसको रख देती हूँ, जब तक हम हमारे राइस बघारते। आइए चले आइए, देखिए मैंने आपको चिकन मैरिनेट करना बता डाली हूँ। अब क्या करेंगे, मैंने गैस को ऑन करके इसके अंदर एक चम्मच ऑयल डाल दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हम ये बेबी कॉर्न राइस बनाने वाले हैं वेज राइस, उसके लिए एक बादियान का फूल और 2 से 4 काली मिरी डालेंगे और 1 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा। और मैंने ये राइस के अंदर डालने 2 मैगी क्यूब ली हूँ। आपकी मर्जी, आपके पास जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर जाएगा ये चॉप करी हुई प्याज। हमको ये चीज़ों को कोई जलाना नहीं है। चावल को मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले भिगा चुकी हूँ, जो मेरे राइस भीग गए हैं अच्छी तरीके से। ये देखें, देखें मैं आपको बोली इसमें हमारे को कोई जलाना नहीं है, कोई प्याज ब्राउन नहीं करना है। अब इसके अंदर जो मैंने 2 मैगी क्यूब ली हूँ और अदरक और लहसुन को चॉप करी हूँ मोटा मोटा, ठीक है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप लोग भी ज़रूर बनाएं जो वेज खाने वाले लोग हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप वेज फ्राइड राइस जैसा इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च 1, इसमें मैं डाल दूंगी बेबी कॉर्न। आप लोग ज़रूर बना के फिर मुझे बताना। और थोड़ी सी हरी प्याज, ये देखिए कितना कलरफुल था माशाल्लाह। इसको हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा बटर भी डालती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, पानी में बॉईल आ गया। अब इसी जगह पे मैं यहाँ 2 चिली लेऊँगी और इसको रफली में चॉप करके ये बॉईल पानी में डाल दूँगी कि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और कलरफुल लगे। अब चावलों को देखिए, मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले भिगा दी थी, जिसको मैंने पानी निकलने के लिए पूरा छन्नी में अच्छे से रख दी थी। ये देखिए अब ये मैं पूरे चावल इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह, ये पानी आधा लीटर 1.25 किलो चावल के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि चावल हमारे आधा घंटा पहले भीगे हुए। चले अब हम राइस को पकने देती हूँ, दम पे आता है तो मैं आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं राइस में पानी एकदम सूख गया है और मैं अब क्या करूँगी, इसको 10 मिनट तक का अभी हम दम देंगे और फिर मैं दम होने के बाद में गैस बंद कर दूँगी। और चले अब हम चिकन की तैयारी करते हैं। ये देखें राइस मेरे दम पे रख दी मैंने और अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने ऑयल रख दी हूँ, ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब जितना भी ये मैरिनेशन करा हुआ चिकन है हमारा, चिकन अंगारे का, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमको सब पूरा मैंने चिकन अंगारे का जो भी मेरा मैरिनेशन था मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हमको अच्छे से भूनना है। ये देख सकते हैं इसमें पानी वगैरह हमने कुछ भी नहीं डाले हैं, जो दही का टमाटे का है वही उसी के साथ में ही हमको इसको भूनना है। बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा चिकन अंगारे में, ठीक है। ये ऐसे ही मसाले के साथ में और हम रहेगा ग्रेवी इसकी। आप इसको नान पराठे लच्छे वाले पराठे के साथ में खाए। और मैंने आज इसके साथ में कॉर्न वेज राइस बनाई हूँ, बटर गार्लिक कॉर्न राइस बनाई हूँ, उसके साथ में हम इसको सर्व करेंगे। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको एकदम रेस्टोरेंट जैसा फील होगा। देख सकते हैं आप लोग मसाला हमारा कितना बेहतरीन से भुन चुका है, एकदम बोटी और चिकन हमारा एकदम अलग से हो गया है। इसके अंदर जाएगा चिकन अंगारे में धुआं, जो मैं गैस के नीचे एक कोयला रख देती हूँ जलाने के लिए। और राइस भी हमारे हो गए जिसका मैंने गैस बंद कर दी। इसको मैं ढक के 2 से 3 मिनट रखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से मेरा ये चिकन अंगारा एकदम सॉफ्ट चिकन के साथ में एकदम रेडी है। मैं गैस को कर दूँगी अभी बंद। ये देखें मज़ेदार सा एकदम बन के रेडी है ये निकालने के लिए। और अब मैं क्या करती हूँ, इसमें डाल देंगे हम खूब सारी कटी हुई कोथमीर, ठीक है। ये मैं कोथमीर डाल देती हूँ इसके अंदर कटी हुई। और अब क्या करेंगे, देखिए मैंने कोयला रखी थी ना वो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर और गैस को मैंने कर दी हूँ बंद। ये कोयला मैं डाल दूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा
घी डाल के इसको हम ढक देंगे चिकन अंगारे को, और फिर इसको मैं निकालती हूँ गैस बंद। ये देख सकते हैं राइस को मैंने प्लेट में निकाल के इस तरीके से सेट कर दी हूँ कि हमारी दोनों रेसिपी बराबर से आ जाए, और यहाँ पे हमारा चिकन अंगारा भी एकदम ज़बरदस्त है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए धुआँदार रेडी है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ, और आपको जरूरी भी अच्छी लगती है मेरी आज की रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरा ये देखें ये मज़ेदार सा हमारा ये चिकन अंगारा, इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ये एकदम मेरी स्टाइल में मैंने बनाई हूँ इसको कॉम्बिनेशन देके, और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? और अच्छी लगे तो अपने सिस्टर के साथ में आपके प्यार से कमेंट करना मुझे, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से मैंने एक प्याज को गार्निशिंग के लिए कट करके रखी हूँ, ये हम रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लेमन रख दूँगी मैं, और ये जो मैंने एग है, एक एग को मैंने बॉईल करके रखी थी वो हम रखेंगे साइड में इस तरीके से। ज़रूर ट्राई करिएगा, एकदम यम्मी और यूनिक डिलीशियस रेसिपी बताई हूँ मैंने आपको, और अच्छी लगे तो आपके सिस्टर को प्यार भरे कमेंट करिएगा, ठीक है? ये देखें इस तरीके से ये हमारी रेसिपी आज की रेडी है, एकदम ज़बरदस्ती। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी हल्की सी कोथमीर काट के, और आप भी ज़रूर ट्राई करें, और अच्छी लगती है ऐसी प्यार भरी। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है, और चिकन अंगारे की खुशबू तो इतनी बेहतरीन आ रही है ना, ये देखें इस तरीके से चिकन को कट करें, और आप देख सकते हैं चिकन, देखें आप ये देखें कितना सॉफ्ट चिकन बना है, ये देखें कितना जूसी, ये देख सकते हैं हमारा वेज कॉर्न गार्लिक राइस के साथ में मैंने वे चिकन अंगारा आपको बनाना बता दी हूँ, और एकदम देखें आज संडे स्पेशल, ज़रूर इंजॉय करें, और दुआओं में अपनी बहन को याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं इसी तरह अच्छी रेसिपी के लिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।